मुंबई में कांजुर मार्ग में जमीन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे और केंद्र सरकार आमने सामने है। उद्धव सरकार ने मेट्रो कार परियोजना का स्थान बदलकर कांजुर मार्ग में करने का फैसला किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कांजुर मार्ग में स्थित जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि कांजुर मार्ग की भूमि उसकी है। अब इस पर सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार शहर में विकास परियोजनाओं को रोकने का प्रयास कर रही है। कांजुर मार्ग स्थित उस भूमि पर मेट्रो कार शेड का निर्माण किया जाना है। ठाकरे ने वेबकास्ट के जरिए कहा कि महाराष्ट्र से घृणा करने वाले लोगों द्वारा दुष्प्रचार अभियान चलाया गया, जो राज्य को मादक पदार्थों के केंद्र के रूप में पेश करने पर तुले हैं। उन्होंने मेट्रो कार शेड परियोजना को आर्य कॉलोनी से कांजुर मार्ग स्थानांतरित करने का विरोध करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा, हाल ही में कहा गया कि कांजुर मार्ग स्थित जिस भूमि पर मेट्रो 3 कार शेड परियोजना ले जाई जा रही है, वो नमक संसाधित भूमि है। आप मुंबई में विकास परियोजनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र के विकास को रोकने की साजिश है, जिसका मिलकर विरोध करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो भूमि राज्य सरकार की है और कांजुर मार्ग पर ही कार शेड का निर्माण होगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने गोरेगांव उपनगर के आरे में मेट्रो कार शेड निर्माण को रद्द करने की घोषणा पिछले महीने की थी। ठाकरे ने कहा था कि परियोजना को कांजुर मार्ग स्थित एक सरकारी भूमि पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद से ही केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।